नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने आज पार्टी छोड़ दी है। अलविदा कहने से पहले वो पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर खूब बरसे। उन्होंने पंजाब को बख्श देने की अपील की है। उन्होंने मन की बात शीर्षक से एक फेसबुक लाइव में पार्टी को अलविदा कहा है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का नवसंकल्प चिंतन शिविर चल रहा है। इसमें पार्टी के उभार को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। क्या किसी भी कांग्रेसी नेता को राज्य भर का दो टर्म दिया जाना चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर पार्टी आलाकमान बहस कर रही है। वन फैमिली वन टिकट के साथ ही राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल को लेकर भी चर्चा जारी है। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज अंबाती रायडू ने शनिवार को आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था। रायडू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी अपने फैंस को दी, मगर कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। रायडू के ट्वीट डिलीट करने के बाद क्रिकेट के गलियारे में बातें होने लगी हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में सब कुछ ठीक है या नहीं। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। गत चैंपियन सीएसके 8 मैच हारकर प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। ऐसे में खिलाड़ियों द्वारा ये संकेत अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार एक्शन मोड में बने हुए हैं। मान ने अब राज्य की जेलों में वीआईपी सेल को खत्म करने का फैसला लिया है। साथ ही आप सरकार ने जेलों में मिलने वाली मोबाइल फोन पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इस आदेश के बाद जेलों में तेजी से सर्च ड्राइव चलाया जा रहा है। अब तक 710 मोबाइल जेल से बरामद हुए हैं। राजधानी दिल्ली के मुंडका में एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने की घटना के बाद व्याकुल परिजन अपने प्रियजनों की तलाश में शुक्रवार की देर रात कभी अस्पताल तो कभी थाने और कभी घटनास्थल के चक्कर काट रहे हैं। इस घटना में अब तक करीब 27 लोगों के जान जाने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को अंदर कुछ लोगों के अवशेष मिले हैं। इसका माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच सकती है। सेना ने जम्मू कश्मीर के रफियाबाद और सोपोर के इलाके में सुरक्षा बलों और वीआईपी को निशाना बनाने की योजना बनाने के आरोप में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान हंदवाड़ा निवासी रिजवान शफी लोन के रूप में हुई है। सेना के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए आर्मी ने रफियाबाद पुलिस के साथ रोहाम रफियाबाद में संयुक्त अभियान शुरू किया है और एक आतंकवादी को पकड़ा जिसके कब्जे में गोला बारूद के साथ एक पिस्तौल बरामद की गई है। भारत ने वैश्विक खाद्य कमी को दूर करने के लिए दुनिया भर में शिपमेंट भेजने की अपनी नीति को अचानक उलटते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम भीषण गर्मी के कारण विशेष रूप से अनाज उत्पाद में अनुमानित बड़ी गिरावट और घरेलू खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण आया है। भारत के प्रतिबंध से वैश्विक खाद्य कीमतों में तेजी आने की संभावना है, जो यूक्रेन संकट के बाद गेहूं की आपूर्ति में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है। हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर के पोनमुडी के बयान पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक देश एक भाषा की अपील की है। संजय राउत ने कहा कि मैं हिंदी भाषा का सम्मान करता हूं और संसद में भी बोलता हूं, पूरा देश समझता है। मैं गृहमंत्री अमित शाह से एक देश एक विधान एक भाषा बनाने का अनुरोध करता हूं। सभी को भाषा का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने शनिवार को दिल्ली आकर अपने पति और महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा एवं समर्थकों के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जानकारी के अनुसार राणा दंपति ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भारतीय नौसेना के दो अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 मई को उद्घाटन करेंगे। ये युद्धपोत सूरत और उदयगिरी है। सूरत 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का और उदयगिरी 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। ये P-17 फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर हथियार और सेंसर तथा मंच प्रबंधन प्रणाली लगी है। इसका उद्घाटन मुंबई के मंचगांव डॉक्स लिमिटेड पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा वहां चीन के दखल को कम करने में निर्णायक साबित होगी। महज 2 महीने के भीतर दोनों देश के प्रधानमंत्रियों का एक दूसरे देशों की यात्रा करना न सिर्फ पुराने संबंधों को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इससे संबंधों में प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी। नेपाल के मामलों में चीन को अलग थलग करने के लिए भारत के लिए ये बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बुआ और दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की छोटी बहन संजीवनी करंदीकर का शुक्रवार को पुणे में निधन हो गया। करंदीकर प्रबोधकर ठाकरे की बेटी थी। बुआ संजीवनी करंदीकर के निधन पर सीएम उद्धव ठाकरे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा है कि वो प्रबोधनकर की बेटी और बाला साहेब की छोटी बहन थी। चूंकि वो छोटी सबसे छोटी थी, बाला साहेब के लिए वो सबसे प्रिय बहन थी।
जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में गुरुवार को 35 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर तनाव बढ़ गया है। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में शुक्रवार को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नौकरी करने वाले 350 कश्मीरी पंडितों ने एलजी को अपना सामूहिक त्यागपत्र भेज दिया है। गुरुवार को बड़गाम जिले के एक सरकारी दफ्तर में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट की जान ले ली थी। इसके बाद से घाटी में जबरदस्त तनाव का माहौल है। लश्कर से जुड़े संगठन कश्मीरी टाइगर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। आखिरकार भाजपा ने अपनी भूल को सुधार लिया है। आदा को पट्टा से जोड़ने वाले कोइलवर पुल के दूसरे लेन के उद्घाटन से ठीक पहले पोस्टर में नीतीश कुमार को जगह मिल ही गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को उद्घाटन करते देखे गए, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना तो पहले न्योता दिया गया था और ना ही पोस्टर में जगह मिली थी। इधर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सफाई देते हुए कहा कि चूंकि आज सीएम की पत्नी की पुण्यतिथि है, लिहाजा उन्होंने खुद ही आने से अपनी असमर्थता जताई थी। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तलब किया था। यह खबर सुनते ही कोर्ट के बाहर निवेशकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि सहारा श्री तो हाईकोर्ट नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी कंपनी के एजेंट जरूर कोर्ट के बाहर हाजिर हुए थे। सहारा प्रमुख के नहीं आने से निवेशक काफी नाराज थे। इसी बीच उनकी नजर एजेंट पर पड़ गई। बस फिर क्या था, एक एजेंट निवेशक की भीड़ के हत्थे चढ़ गया और उसकी पिटाई हो गई। न्यायालय के आदेश पर वाराणसी स्थित ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे की शनिवार की कार्रवाई पूरी हो गई है। सर्वे के दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा, विशाल सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर अजय प्रताप मौके पर मौजूद रहे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने शनिवार को कहा कि आज सर्वे की शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के ऊपर के कमरों का सर्वे रविवार को होगा। डीएम वाराणसी भी तहखाने में मौजूद थे। सर्वे के दौरान एक और तहखाना मिला है। तहखाने के चारों कमरे का सर्वे शनिवार को पूरा कर लिया गया है। एक देश एक भाषा की वकालत करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है और इसकी स्वीकार्यता भी है। साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा होनी चाहिए। उनका बयान ठीक एक महीने बाद आया है, जब शाह ने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका विकल्प स्थानीय भाषा नहीं हो सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लुधियाना पहुंच रहे हैं। वो पहले शहीद सुखदेव थापर के घर पैदल जाने वाले थे, लेकिन गर्मी और सुरक्षा के चलते जेपी नड्डा ई रिक्शा से शहीद सुखदेव थापर के घर पहुंचे देखे गए। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी ने उनसे बात की है। इस बीच ई रिक्शा चालक अमरीक सिंह ने कहा है कि उन्हें आज सुबह इसकी सूचना मिली और उन्हें जेपी नड्डा को अपने ई रिक्शा से सुखदेव थापर के घर ले जाना है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत उत्साहित है। भारत में शनिवार को कोविड 19 के 2858 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,19,112 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 18,096 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 11 और मरीजों के महामारी से जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,201 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है। कोविड 19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.74% दर्ज की गई है। कांग्रेस ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के कदम को किसान विरोधी करार देते हुए शनिवार को दावा किया है कि सरकार ने गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं की, जिस कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उसे निर्यात पर रोक लगानी पड़ी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा कि मेरा मानना है कि केंद्र सरकार पर्याप्त गेहूं खरीदने में विफल रही है। ऐसा नहीं है कि गेहूं की पैदावार कम हुई है, ये कुल मिलाकर पहले की तरह हो सकता है, पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा इसकी पैदावार हो सकती है। AIMIM ने गुरुवार को अपने प्रत्याशियों की नौवीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 9 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय से जारी हुई सूची में फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद विधानसभा से AIMIM ने प्रीति मिश्रा को टिकट दिया है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से इरफान अहमद मलिक को टिकट दिया गया है। इरफान अहमद मलिक पूर्व मंत्री और विधायक रहे कमल यूसुफ मलिक के बेटे हैं। महंगाई की दर पिछले 4 महीने से भारतीय रिजर्व की तरफ से निर्धारित बैंड 2% से 6% से ऊपर जा रही है। अगर यही स्थिति अगले 5 महीने तक रही तो रिजर्व बैंक को नियम के मुताबिक सरकार को सफाई देनी पड़ सकती है कि वो महंगाई को क्यों काबू में नहीं कर पाया है। वैसे मई 2022 में अचानक ही रेपो रेट में 0.40% की वृद्धि कर RBI ने साफ कर दिया है कि वो अब महंगाई से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। व्हाट्सएप अब यूजर से प्लेटफॉर्म पर UPI आधारित पेमेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए उनके कानूनी नाम पूछेगा। ये कानूनी नाम यूजर्स के बैंक अकाउंट से जुड़े नाम है। बता दें कि ये नाम प्रोफाइल नामों से अलग हो सकते हैं और रिसीवर को प्रदर्शित किए जाएंगे। पेमेंट धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस गाइडलाइन निर्धारित किए जाने के बाद ये बदलाव आया है। दिल्ली के मंडुका में भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हमने एक हेल्प डेस्क लगाया है, परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया है कि लोग भूखे रहने पर मजबूर हो गए हैं। सब्जी से लेकर फल फ्रूट के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो सब्जी की कीमत पहले हुआ करती थी अब दोगुनी नहीं बल्कि तीन गुनी हो गई है। एबीपी न्यूज की टीम ने सब्जी विक्रेताओं से बात कर जाना है कि असल में क्या लागत है। इस दौरान कई सब्जी फल फ्रूट विक्रेताओं ने बताया है कि हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लोग भूख से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। माओं के पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध तक नहीं है। देश के बड़े प्रोजेक्ट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार फिर से अपने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट के ऐलान के बाद से ही कई प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में इजाफा करने का फैसला किया है। श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा का मामला अब अदालत तक जा पहुंचा है। कोलंबो कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। वकील ने याचिका में कहा है कि सीआईडी को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी के तुरंत आदेश दे दिए जाने चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र रविदास, गौतम कुमार, देशु प्रियांशु, रविकांत यादव, मुन्ना कुमार सिंह, सुरेश प्रसाद, प्रीति कुमारी, सुबोध प्रसाद यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल के मौजूदा हालात को देखते हुए किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।